कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ महानगर भाजपा ने नगर निगम बोर्ड बैठक में हुए बवाल को पूर्व नियोजित करार दिया है। आरोप लगाया गया है कि अराजकता फैलाने वाले विपक्षी पार्षद नहीं चाहते थे कि सदन चले। यहां जाति सूचक शब्द कहे गए, महिला भाजपा पार्षदों से गाली गलौज किया गया। MLC धर्मेंद्र भारद्वाज ने जब इन अपशब्दों का विरोध किया, उन्हें धक्का मार दिया गया, जिस कारण वहां माहौल खराब हो गया। भाजपा पदाधिकारियों ने आज इस कड़ी में IG पुलिस से मुलाकात कर इस बात पर नाराजगी जताई कि उनकी तरफ से दी गई तहरीर पर अभी तक आरोपी पार्षदों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। भाजपा पदाधिकारियों के साथ जाटव खटीक समाज की महिला पार्षद भी थी। दरअसल नगर निगम की बोर्ड बैठक में हुए हंगामे व मारपीट की घटना के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने 10 जनवरी को महापंचायत का आह्वान किया है। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। आपको याद होगा कि 30 जनवरी को मेरठ नगर निगम बोर्ड की बैठक टाउन हॉल में आहूत की गई थी। यहां भाजपा पार्षद रेखा सिंह द्वारा गृह कर वसूली केवल हिंदू इलाकों में करने का आरोप लगाते हुए चैलेंज दिया गया था कि यदि दम है तो मुस्लिम इलाकों में भी वसूली करके दिखाएं। इस पर उत्पन्न गतिरोध के चलते बजट बैठक में हंगामा हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। आज भाजपा के जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा, महानगर अध्यक्ष सुरेश चंद ऋतुराज ने भाजपा महिला पार्षद बबीता खन्ना, रेखा सोनकर, डॉक्टर अनुराधा आदि को लेकर IG से मुलाकात की। IG को दिए प्रार्थना पत्र में भाजपा पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पार्षद फजल करीम, आसिफ सैफी व रिजवान अंसारी ने महिला पार्षदों के प्रति अभद्र टिप्पणी व अनुसूचित वर्ग के पार्षदों पर जाति सूचक शब्द कहते हुए मना किया। इस समय कुलदीप कुमार और कीर्ति घोपला, आशीष चौधरी ने महिला से दुर्व्यवहार व अभद्रता की। पवन चौधरी ने तभी तहरीर दे दी थी, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। इससे अनुसूचित वर्ग महिला पार्षद स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे हैं। IG नचिकेता झा ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बाहर मीडिया से वार्ता करते हुए भाजपा के महानगर अध्यक्ष सुरेश चंद ऋतुराज और जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा में महिला पार्षदों ने यह कहा। देखिए, 30 दिसंबर को नगर निगम के अंदर जो उत्पात मचा है, अब कुछ पार्षदों ने जिस प्रकार की वहाँ पर दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ किया है, ये पूरा पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। पहले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मारवाड़ी भोज के अंदर, और उसके अंदर उन लोगों ने की जो पार्षद भी नहीं थे वो वहाँ पर उपस्थित थे, तो तभी ये लग गया था कि वो कोई ना कोई बड़ा उनका मनसा है वो जो करने वाले हैं। देखिए, 30 तारीख को वहाँ पर क्या था हुआ कि हमारी जो पार्षद थी, हमारी श्रीमती रेखा सिंह जी ने एक सवाल वहाँ पर खड़ा किया, भाई यहाँ पर जो हमारे नगर निगम के अधिकारी हैं, हाउस टैक्स के हैं, अन्य के हैं, वो हिंदू एरिया में तो जाते हैं, उनको मुस्लिम एरिया में भी जाना चाहिए। तो ये सवाल है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं, सभी क्षेत्रों में जाना चाहिए। अगर उन्हें कोई आपत्ति थी तो बाद में वो खड़े होकर वो भी बोल सकते थे, लेकिन वो बोले नहीं। उन्होंने क्या करा है, उन पर रेखा सिंह पर अभद्र टिप्पणी करनी चालू कर दी, बहुत ज़्यादा टिप्पणी, उन्होंने तरह तरह के अश्लील बातें भी उन्होंने बोलनी शुरू कर दी। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वहाँ वातावरण बिगड़ने लगा। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, वो वहाँ पर दो लोगों के साथ जो अपने वहाँ पर अन्य पार्षद थे वो उनके पास पहुँचे, उनके कान में फूसी करके उन्हें उकसाना शुरू करा, जिससे कि वो बेंच पर खड़े हो गए। बेंच पर खड़े होकर वो माइक को लेकर तरह तरह की बातें बोलने का वो प्रयास करने लगे। मुस्लिम उन्होंने रोका, उनको वहाँ के जो पुलिसकर्मी वहाँ पर थे उन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद में भी वो रुके नहीं। तभी वहाँ पर धर्मेंद्र भारद्वाज जी आए, जो वहाँ पर सामने बैठे हुए थे, वो तो वहाँ पर आए कि भाई यहाँ जो इस तरह से जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो यहाँ पर उत्पात मचा हुआ है, उसे शांत करें। तो वो जो व्यक्ति है वो ऊपर से जो बेंच पर खड़ा हुआ था वो नीचे उतर कर आया, और नीचे उतर कर उसमें अंदर घुसा, और वो उनको धक्का देने लगा, उनके साथ जो है उनको गुत्तम गुत्ता करने लगा। वो अपने हमारे धर्मेंद्र भारद्वाज जी वो नीचे गिर पड़े, और तब वहाँ पर जो है एक अलग ही वहाँ का वातावरण पैदा होने लगा। उन्होंने उनको सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारी महिला शक्ति यहाँ पर खड़ी हुई है, उनके साथ जो वहाँ पर एक गलत ढंग से दुर्व्यवहार किया गया और गलत ढंग की शब्दों का प्रयोग किया गया, ये गंभीर विषय है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे अनुसूचित वर्ग के हमारे हमारे पार्षद हैं, चाहे वो वाल्मीकि हैं, चाहे वो खटीक हैं, चाहे वो हमारे जाटव हैं, उन सबको जाति सूचक शब्दों से प्रयोग किया गया,
और आज उनके वहाँ पर जो जहाँ पर देखिए हर हमारा पार्षद, हमारा हर पार्षद 25-30 हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ पर उन लोगों के बीच में, समाज के बीच में इस समय बड़ा आक्रोश है कि भाई आपके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, 3 मुस्लिमों के द्वारा किया गया, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी को लेकर आज जो नारी का मन होता है वो बहुत कोमल होता है, वो बिल्कुल पानी की तरह से होता है, वो बिल्कुल ऐसा होता है बिल्कुल जैसे फूल की तरह। उनके मन में जो चोट लगी है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उनके साथ जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, देखिये इससे दयनीय, इससे निंदनीय घटना दूसरी कोई नहीं हो सकती। आज हम सब यहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष श्री शिव कुमार राणा जी के नेतृत्व में हम यहाँ पर सब आए हैं, हमारे यहाँ पर अनुसूचित वर्ग की सभी महिला पार्षद, सभी पार्षदगण यहाँ पर आए हैं, हमारे वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष और मंत्री आए हैं, हमारे यहाँ जाटव समाज के हमारे सभी नेता आए हैं। आप देख रहे होंगे चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, कितने यहाँ पर सबके मन में आक्रोश है, और एक आक्रोश है कि जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। आईजी सिवाय यही मांग की गई है कि जो तहरीर हमने दी थी FIR दर्ज नहीं हुई है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, तो हम उनसे ये मांग करने के लिए आए हैं। कल हम ADG से भी मिले थे, आज हम IG के पास आए हैं कि ये इस पर कार्रवाई की जाए, कार्रवाई की जाए। दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आज जो है यहाँ अगर राज्यसभा की सदस्य वो हमारे साथ हैं, मंत्री दिनेश खटीक जी के रूप में हमारे साथ हैं, राज्यसभा की सदस्य बहन कांता करदम जी के हमारे साथ हैं, यहाँ दोनों ब्लॉक के प्रमुख जो दलित हैं वो हमारे साथ हैं, 6-7 जिला पंचायत सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं, 15 पार्षद भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं। आज दलित समाज का जो है 70-80% वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, इनकी पंचायत करने से क्या, तो आज दलित समाज चारों तरफ पढ़ाई हमारे साथ है भारती जी भी जी। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि इसमें मुकदमा लिखा जाना चाहिए और कुछ नाम भी बता रहे हैं जनप्रतिनिधियों के, इसको लेकर क्या, तो जनप्रतिनिधि वायरल हो रही है सबके सामने है, वीडियो तो वायरल हो रही है। सबसे उससे पहले तो इन्होंने मतलब उनकी साथ जो है धक्का देने का काम किसने करा, इन्होंने करा। अब ये हमारी जो मातृशक्ति के रूप में ज्यादातर जो हमारी ये बहनें थी, ये सब हमारी पार्षद बहनें दलित समाज की हैं, उनमें एक बबीता जी और ये, इन्हें दोनों को छोड़ दो तो ये भी हमारी बहनें दलित समाज की हैं, इन सब के साथ जो उन्होंने बदतमीजी करने का जो प्रयास करा उसे कैसे बर्दाश्त करा जाएगा। तो अब आप लोगों ने मतलब क्या तय किया है कि वो तो 10 तारीख को महापंचायत की बात करें इस मुद्दे पे। अरे हमारी जब संपूर्ण दलित समाज, जब दलित समाज का 70-80% भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो जो कुछ करना चाहे वो करे, वो उसके लिए स्वतंत्र है, उसके लिए हम। उस दिन ये हुआ था कि रेखा दीदी ने अपनी एक बात रखी जो कि हर व्यक्ति अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है, सो हम भी स्वतंत्र है, तो उन्होंने अपनी बात रखी, बस एक जाति सूचक वर्ड को लेके उन्होंने इस बात का इशू बना दिया और गाली ग्लोज हमारे साथ बदतमीजी की, हमें बोला आप खटीक समाज से हो, ये 4 दिन की खटीक समाज वाले आए दलित, ये यहाँ पे राजनीति करें, और अगर किसी ने बीच बचाव भी किया तो उनके साथ भी बदतमीजी की, हमारे साथ गाली ग्लोज की, गलत व्यवहार किए गए, जिसके लिए कि हम बहुत ही हताश हैं और प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जाटो समाज से हूँ, मेरा नाम डॉक्टर अनुराधा है, हम भी वहाँ उस टाइम सदन पर मौजूद थे, हमारी बहन जी रेखा जी ने बात रखी थी, यदि कोई बात, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, उन्होंने भी रखी, वो भी अपनी बात रखते, तो उसके बदले में उन्हें उल्टा सीधा कहने का या जाति सूचक शब्द कहने का या उनका क्या अधिकार था, उन्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। जब उन्होंने इस तरह से हमें बेइज्जती करना शुरू कर दिया, कोई भी व्यक्ति नहीं बर्दाश्त करेगा, तो उन्होंने हमारे MLC साहब को धक्का दिया है और धक्का देने के बाद में वहाँ का माहौल एकदम से तुरंत खराब हो गया है, बिगड़ा है, उन्होंने जाति सूचक शब्दों का बहुत भद्दे तरीके से प्रयोग किया है। तीसरी बार मतलब चुनाव जीत के आई, जब हम अपने वार्ड में मतलब 25,000 लोगों को लेके 20,000 लोगों को लेके उनका नेतृत्व करते हैं, तो क्या हमें इतनी भी सदन समझ नहीं है कि हम सदन में हमें क्या बोलना और क्या कहना है। जब हमारी बहन रेखा जी ने हमें अपना प्रस्ताव रखा, अपनी बात रखी, उनको बात रखने का अधिकार था और हक था। मैं वहाँ मौजूद थी, रेखा दीदी ने एक सवाल करा था जो कि हर किसी का स्वतंत्र अधिकार है, उस पे आपत्ति अगर आपको जतानी थी, बातों का सवाल बातों से होता, अगर आपको कोई आपत्ति थी बातों द्वारा उसका जवाब मांगी, लेकिन उन्हें सीधा डायरेक्ट माँ बहन की गाली देनी कि आप कौन होती हो, माँ बहन की गाली से संबोधित करना, क्या यह औचित्य था। वहाँ पे सम्मानित सदन थे, सारे लोग बैठे हुए थे, गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए थे, और माँ बहन की गालियां देनी शुरू कर दी, और जो मुस्लिम समाज से थे उन्होंने उसको प्रेरित करा, तो वो एक दंगाई रूपी लोग थे और उन्होंने सदन को पूरी तरीके से खारिज करने की कोशिश करी, वो सदन चलने नहीं देना चाहते।
चाहते थे। हम यही मांग करना चाहते हैं प्रशासन से कि जो भी हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ और जिस तरीके से सम्मानित सदन का अपमान किया गया है, उन लोगों के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, क्योंकि ये अराजकता फैला रहे थे, अराजकता का समान रूपी पार्षद थे। मैं उन्हें पार्षद नहीं मानती, वो अराजकता फैलाने के लिए आए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।